डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द थ्योरेटिकल पोर्शन इन द लास्ट क्लास। टुडे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मिसेलेनियस सॉल्ट एग्जांपल, जो आपकी बुक्स के हैं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व जो किए हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जितने भी एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1.19 लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल करता है 16 मीटर 4 सेकेंड में एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड में, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है, 16 + 16 32 मीटर, और टोटल टाइम लिया है 6 यानी 4 और 2 यानी 6 सेकेंड। तो 32/6 हो जाएगा, तो आएगा ये 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर है। वो मीटर पर सेकेंड आपका यूनिट है जो आंसर के बाद में ज़रूर लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है 1.21। उषा स्विम्स इन 19 मीटर इन लॉन्ग पूल। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। हमें दो चीज़ें बतानी है, एक तो एवरेज स्पीड बताना है, दूसरा एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट यहाँ से उसे सूम स्टार्ट करती है और पॉइंट बी तक करती है। उसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से जाती है इस तरह से और वापस यहीं आ जाती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 90 + 90 = 180 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है, 1 मिनट का, और यहाँ से यहाँ 1 मिनट, तो यहाँ से यहाँ वापस आने में 2 मिनट हो गए टोटल टाइम। लेकिन उसने लिखा है यहाँ, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अदर 180 मीटर इन 1 मिनट में। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड में पहुँचती होगी, फिर यहाँ वापस आ जाती होगी 30 सेकंड में। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 मिनट यानी 60 सेकंड हो गए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर अपॉन 60, इसे कैंसिल आउट करेंगे 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा होगी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। अब यहाँ से स्टार्ट किया उसने तैरना और यहीं स्विम करने के बाद वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। तो 0 अपॉन टाइम लगा देंगे 60, तो 0 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया, उसका वेलोसिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है 1.23। ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम ए टू बी विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड पूछ रहा है। सपोज करो एक ये मोटरसाइकिलिस्ट है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो इसकी स्पीड दे रखी है B1, स्पीड दे रखी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ वापस आता है, वो स्पीड दे रखी है B2, इसने कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब करेंगे क्या, या तो एक ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नहीं तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला नोट करो। फार्मूला क्या है, तो उसमें जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड का फार्मूला नोट करो, एवरेज स्पीड टू
b1 plus b2, ये फार्मूला आप लर्न कर ले करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। b1 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ b1 की 30 है, b2 की क्या है 20 है, तो 2 b1 की 30 है वैल्यू, b2 की कितनी है 20 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, b1 की वैल्यू 30 है प्लस 20 है, तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास, ये 20 30 20 अपॉन ये 30 प्लस 20 हो गया 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 6 जा ये 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 की, यानी 2 की 6 से और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें भी 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, सॉल्यूशन देख रहे हो आप कितना बड़ा है, लेकिन आप इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। फार्मूला याद कर लेंगे एवरेज स्पीड का, 2b1b2 upon b1 plus b2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1.26। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टेशनरी पोजीशन से, रेस्ट से। ठीक है, राहुल पैडल्स हिज साइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन द अप्लाई ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एसिलेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमें क्या करना है, एसिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे, इन फर्स्ट केस में बहन राहुल इज पैडलिंग हिज बाइसिकल, जब बाइसिकल तो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u इक्वल जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी b इक्वल कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड दे रखा है। तो एसिलेशन का फार्मूला होता है b - u / t, तो b की वैल्यू 6 है, u की वैल्यू 0 है, t 30 है, और आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड² आ जाएगा एसिलेशन। अब ये सेकेंड केस लगाएंगे, ही अप्लाई ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई कर देता है तो वहाँ क्या होगा, रिटार्टेशन होगा बेटा, क्या होगा, रिटार्टेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी सेकंड केस में, 6 मीटर पर सेकंड, जब ब्रेक लगाता है तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाती है, 4 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और टाइम कितना ले रहा है 5 सेकंड, तो यही वैल्यू लगा देंगे, एसीलेशन ए इक्वल बी माइनस यू अपॉन टी, तो 6 - 4 - 6/5 ये माइनस में आएगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एसीलेशन निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ रिटार्टेशन हो रहा है। ठीक है, सोर्स रिटार्टेशन, ठीक है,